हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3 बजे, ये देख सकते हैं आप, 3:27 हो रहा है, सुबह के 3:27 हो रहा है। और हम फ्रेश होकर रेडी हो चुके हैं और हम निकलने वाले हैं पटना से सुपौल के लिए, जो कि तो गाइस ये 250 किलोमीटर का राइड होने वाला। आई होप कि इस राइड को आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। चाय हो चुका है तैयार, चलो चलो। सही है, चाय पे जान दो। तो चाय बन के है तैयार। क्या गाइस, आपको ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कुत्ते का बच्चा या फिर बिल्ली का बच्चा या फिर बड़ी बिल्ली रात में इस बाइक पे बैठ के एंजॉय कर रही थी। तो हम डालते हैं इसमें चाबी। बाइक हो चुकी है स्टार्ट, तो गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। तो अभी हम है पुनाई चक पे और हम यहाँ से निकल चुके हैं फ्रेश होके, चाय वाय पी के। और आज गर्मी पता नहीं बहुत ज़्यादा है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो इसलिए हम लोगों ने राइड का टाइम जो चुना है वो अर्ली मॉर्निंग चुना है, 4 बजे। तो अभी टाइम हो चुके हैं 4:01, अच्छी टाइमिंग है 4:01। और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, बट उससे पहले रास्ते में मैं आपको कुछ अच्छी जगह दिखाऊंगा। पहली चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है महात्मा गांधी सेतु, जो कि हाल ही में बन के तैयार हुआ है। काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, रिपेयरिंग हो रही थी। और किधर से चलो, चलो सीधा ही चलो। तो ये है राहुल मेरे भाई, जिनके पास है पल्सर 220 DS4 मॉडल है। तो आज राइड में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है गाइस। राजेंद्र नगर टर्मिनल और ये रहा अपना स्वदेशी झंडा। हाँ क्या हुआ लाइट को? चलो कर देंगे अभी, मेन रोड के पास चलो। लाइट प्रॉब्लम काफी नीचे है, आई थिंक ठीक है, हैंडल सीधा करो। तो हम लोग बाईपास रोड आ चुके हैं। शिट 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 शिट, ट्रैफिक ये बहुत ट्रैवल करती है। देखो तो निकलेगा क्या वहाँ से? भाई साहब की तो निकल पड़ी, मेरी जाएगी या नहीं? और ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया अब तो। ओह नो, वेल
वेलकम टू महात्मा गांधी सेतु, एशिया लार्जेस्ट ब्रिज। एक्चुअली ये अब नहीं रहा, बट काफ़ी सालों तक ये रहा एशिया की सबसे बड़ी ब्रिज, जो कि गंगा पे बनी हुई है। वाओ, यह मस्त लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कोई नया ब्रिज पे जा रहा हो। अमेजिंग अमेजिंग, रोड्स आर सो वाइड, काफ़ी चौड़ी लग रही है सर के, और रोड पे ग्रिप भी बनाया गया है। और ये जो ब्रिज देखे यार, दिल खुश हो गया, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, मतलब कमाल कर दिया भाई, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ऊपर। और ये जो ब्रिज बन गया है, रेडी हो चुका है, गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया यहाँ के निवासियों को, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था वन साइड में। तो ये स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि अभी मैं खुद इस रोड से जा रहा हूँ, रोड अच्छी है। तो हम लोग हाजीपुर से निकल चुके हैं गाइस, और हम करेंगे बाइक एक्सचेंज। मैं चलाऊंगा 220, राहुल जी चलाएंगे डोमिनार 400। तो लेट्स एंजॉय पल्सर 220F, क्या लेजेंडरी बाइक है, बैठते ही फील हो रहा है। बैठते ही फील हो रहा है कि हाँ भाई, किसी लेजेंडरी बाइक पे बैठा हूँ भाई, सचमुच ये बाइक जो है लीजेंड है। अब क्यों है फील हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लीजेंड। देखो बहुत बड़ा चीज आ गया, जी सर ठीक है सर, बाइक चला रहे हैं ठीक है, आ जल्दी नार में, नार में जल्दी आओ। तो भाई लोग का कॉल था, मैंने रिसीव कर लिया, बात कर लिया, अब देखते हैं डोमिनार कितनी आगे गई। तो फ्रेंड्स, हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं कि यहाँ भी ट्रैफिक होता है या नहीं, क्योंकि हमेशा जब भी मैं मुजफ्फरपुर आता हूँ तो छोटी मोटी या बड़ी जो भी हो, पर ट्रैफिक में फंसता जरूर हूँ, देखता हूँ इस बार क्या होता है। और एक चीज़ ये कि आज कुछ ज़्यादा ही ट्रक्स चल रही हैं रोड पे, बहुत ज़्यादा आज ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू दिस, बहुत डेंजर है भाई। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था,
नाले का जो प्रोजेक्ट होगा उसकी वजह से इधर रोड नहीं पहले बन रहा होगा। अब तो नाला भी तैयार है तो मेरे ख्याल से अब रोड भी बहुत जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तो ब्रिज है जो एकदम काफ़ी पतली ब्रिज है, अगर एक ट्रक जाती है तो फिर उसके साथ एक साइकिल भी नहीं जा सकती, तो जिस वजह से जाम बहुत ज़्यादा इधर लगता है। मज़ा आ रहा है डोमिनार चलाने में। मैं इसे ब्रिज की बात कर रहा था, देख लो कितनी नैरो है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा उठा पटक है। ये तो फिर भी अभी भर दिया गया है तो सही लग रहा है, वरना यहाँ जो गड्ढे होते थे भाई साहब पूछो मत, बारिश के मौसम में तो ये कमाल का दिखेगा, मतलब सड़क तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा।